हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। गाइज, ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, उनका नेम चेंज करते रहना है, और अपने पार्टनर के रिलेशन के बारे में सब कुछ पॉजिटिव सोचना है। गाइज, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर 2 हफ्ते या 2 महीने हो गए हैं आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है। किसी किसी को 4 हफ्ते 4 महीने हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है। और जिस तरीके से आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में वापस पॉजिटिविटी लाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो गई हो, लेकिन वो छोटी छोटी प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। उनकी नज़र भी है आपके ऊपर पूरी तरह से, कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से बेपरवाह मत हो जाइएगा कि आपके पार्टनर ने आप पे नज़र नहीं रखी हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपके साथ इस रिश्ते में वापस जुड़ना चाहते हैं। मुझे यहाँ अभी थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, और जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, अगर वो किसी रिश्ते में या थर्ड पार्टी में चले भी गए थे, तो वहाँ पर भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस, आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। कि आप दोनों अगर आगे बढ़ेंगे तो थर्ड पार्टी आपको फॉलो ज़रूर करेगी आपके पार्टनर को, लेकिन आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगी आने वाले टाइम में। गाइस, यहाँ पर अगर आप दोनों सिंगल हैं तो आप दोनों की शादी हो सकती है, और अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों का रिश्ता वापस से बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएगा। मुझे यहाँ अलीहदगी नज़र नहीं आ रही है कि इस रिश्ते में टूटना या कुछ अलग होना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और गाइस, अगर आपको 2222 या 222 नज़र आते हैं, या 333 नज़र आते हैं, एंजल नंबर हो सकते हैं। जब भी आप एंजल नंबर देखें, आपको प्रे करना है अपने लाइफ के बारे में, पॉजिटिव रहना है, और अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में प्रे करना है, जब भी आप कुछ भी ऐसा एंजल नंबर देखते हैं तो। गाइज, आप में से किसी किसी का नाम या आपके पार्टनर का नाम UTVYAOP और इससे शुरू हो सकता है। गाइज, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से दूर रहना चाहते हैं, वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। अभी थर्ड पार्टी के और उनके बीच में थोड़ा ऐसा माहौल बना हुआ है कि आपके पार्टनर उससे दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ में अगर तो कोई और आ गया है, और अगर फैमिली है थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं फैमिली को ये समझ आ गया है कि अब आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आए बिना रहेगा नहीं। आपके पार्टनर गाइज आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को पूरी तरीके से जोड़ना चाहते हैं। अगर समाज, सोसाइटी भी आप दोनों के बीच में रुकावट थी, तो उसका सामना करने के लिए आपके पार्टनर बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज ये थी आज की हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का। टेक केयर, बाय।